जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, आर्मी पुलिस या एसएससी जीडी की, तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज का कोई भी शानदार से शानदार जो आपको वीडियो लगे, हाँ वो किसी का भी नहीं होना चाहिए, स्नैक टिकटॉक किसी का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी स्क्रीन में जिसमें यूट्यूब शूट होता है उसी स्क्रीन में आप वीडियो शूट करके शानदार आपको जो सबसे बेस्ट वीडियो वो मेरे को इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक मैं नीचे देता हूँ, इंस्टाग्राम पर भेजिए। एक मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इंस्टाग्राम पर नहीं आता तो मैं आपको वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दूंगा आपका वीडियो देखकर, तो आप मेरे को व्हाट्सअप पर भेज सकते हो। और अगर आपका वीडियो शानदार रहा तो दोस्तों मेरे तरफ से आपके वीडियो के अकॉर्डिंग इस प्रकार की टी शर्ट या कोबरा लोअर या शूज़ गिफ्ट में दिए जाएंगे, क्योंकि जो भी यूट्यूब की अर्निंग होती है मैं आपकी सिर्फ मोटिवेशन के लिए वो सारी अर्निंग देने को तैयार हूँ। लेकिन हाँ, भीख मांगने वाले पसंद नहीं है मुझे। कुछ लोगों भीख ना मांगे मेरे से, कुछ बोल रहे मेरे को रिचार्ज करा दो, आप ऐसे कमाते हो, आप ऐसे कमाते हो, इस प्रकार के मैसेज ना करें मेरे को, क्योंकि आप भी फौजी बनने वाले हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप में भी वो जज्बा है। तो आप अपने काम के लिए, मेहनत के लिए रिवार्ड लीजिए मेरे से। तो आप कोई भी वीडियो बना के बताइए अपनी मेहनत से, शानदार वीडियो, जितना जो एक्सरसाइज आपकी फेवरेट है उस एक्सरसाइज का वीडियो बना के बताइए, ताकि मैं यूट्यूब पे लगाऊँ, आपके छोटे भाई देख के उसको मोटिवेट हो, और आपको मोटिवेशन के लिए मैं अपनी तरफ से गिफ्ट देने को तैयार हूँ। मैं पहले जो वीडियो बनाया था उसके लिए 10 लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, 10 लोगों को उसमें से टी शर्ट दे रहा हूँ। 12 लोग थे उसमें से 10 को मैं टी शर्ट गिफ्ट कर रहा हूँ। और अगर आप अच्छे बनाते हो, अगर मैं 20 बंदों का डालूंगा तो 20 को टी शर्ट गिफ्ट करने को तैयार हूँ। उसका भी मैं वीडियो बना के दे दूंगा, किन किन को भेज रहा हूँ उनके एड्रेस, और आपको टी शर्टें भी ला के दे दूंगा 2 से 4 दिन में। तो दोस्तों अगर आप भी लेना चाहते हो उसमें हिस्सा, तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, उसमें आप वीडियो भेज सकते हो। वहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको शेयर करूँगा। अगर आपका वीडियो अच्छा हुआ तो आप मेरे को भेजिए, और आपको शानदार से शानदार गिफ्ट, आपकी जो नीड रहेगी, अगर किसी के पास शूज़ नहीं है तो उसको शूज़ गिफ्ट करने को भी तैयार हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग लेटर पर। तो ज्वाइनिंग लेटर के दोस्तों, कईयों को ये टेंशन हो रही है कि सर ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा, या ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो हमारे घर पास में नहीं पहुंचा तो कैसे होगा। तो दोस्तों इस बार आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज्वाइनिंग लेटर इस बार ज़्यादातर चांसेज है ऑनलाइन आने का। अगर ऑफलाइन आएगा तो ऑनलाइन भी इस बार ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, क्योंकि मैसेज अलर्ट भी आ रखा है। आपको पता है कई लोगों को मैसेज भी आपके फिजिकल के टाइम, मेडिकल के टाइम भी कई लोगों को मैसेज आए हैं, कईयों को नहीं भी आए होंगे, लेकिन कुछ लोगों को आए भी हैं मैसेज। और ज्वाइनिंग लेटर की आप मान के चलिए कि आपका इस बार ऑनलाइन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप ये टेंशन ना लो कि अगर आपको वो नहीं पहुँचा टाइम पर तो क्या होगा, अगर वो नहीं पहुँचा तो आपकी कोई गलती नहीं है, और इसमें आपको डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग रद्द नहीं करेगा। पहले बात तो ये बता दूं कि अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास नहीं पहुंचता, आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाते उस टाइम पर, तो आपकी ज्वाइनिंग रद्द नहीं होगी, इसमें आपको घबराने की टेंशन नहीं है। हाँ, उसके बाद में आप आके बता सकते हो कि मेरा ये बेसिक रीज़न है इसकी वजह से। और साथ में आप जो एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं उनसे भी जुड़े रहे, अगर उनके ज्वाइनिंग लेटर आ रहे तो उसमें देखना, फर्स्ट लिस्ट आएगी तो फर्स्ट लिस्ट में किस किसके ज्वाइनिंग लेटर आ गए, किसके नहीं आए, उसमें देखना कि आपके साथ वाला बंदा है वो भी सीआरपीएफ में, आप भी सीआरपीएफ में, उसका आ गया आपका नहीं आया। अगर आपका नंबर भी सेम है तो फिर उस समय में आप पता करना, और फिर आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है, पता करके बता सकता हूँ आपका कि ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया है। तो जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब तक आप अगर उसके लिए जुड़ रहे हो तो उसके लिए भी जुड़ जाइए, तो उसमें भी आपकी जितनी भी कोई परेशानी है उसके लिए मैं हल देने को तैयार हूँ। साथ में अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब तक आएगी, तो दोस्तों बता दूं, ज्वाइनिंग अभी रिजेक्ट वाले जो फॉर्म चल रहे हैं उनमें जो बायोमेट्रिक कईयों का फेल हो रहा है, जिनको बायोमेट्रिक और ये मैच नहीं कर रहा है, उनके वजह से उनके रिजेक्शन हो रहे हैं। उनको 1 महीने का टाइम मिल रहा है कि वो कैसे भी साबित कर दे 1 महीने में कि जो मेडिकल कराने गया वो बंदा और जो फिजिकल दिया वो बंदा एक ही, क्योंकि बायोमेट्रिक मशीन भी ख़राब हो सकती है, इसलिए उनको 1-1 महीने का टाइम दे दिया है। तो अगर उनको 1 महीने का टाइम दिया है तो उनको 10 से 15 दिन हो चुके हैं, कईयों को 15 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं वो फार्म निकले हुए, तो 15 दिन को अभी उनको टाइम है। तो आप मान के चलिए उनके भी कम्प्लीट होने हैं, तो एसएससी की मेरिट अगर उनको अलग रखे, वेटिंग लिस्ट के लिए रखे अगर करें तो जल्दी आ सकती है, नहीं तो फिर जनवरी में ही मेरिट पॉसिबल है। दिसंबर में अब मेरिट पॉसिबल नहीं नज़र आ रही है, पहले लग रहा था कि दिसंबर तक मेरिट आ जाएगी, काफ़ी चांसेस था क्योंकि 2 महीने हो गए, लेकिन अभी रिजेक्शन वाले फॉर्म जब आए हैं तब इससे ये मतलब साफ तौर पर ऐसा दिखने लग गया है कि मेरिट थोड़ी सी डिले हो सकती है, क्योंकि रिजेक्शन वालों को जिनका बायोमेट्रिक, आपने खुद ने भी देखा होगा, जिनके बायोमेट्रिक और टेस्ट में मैच नहीं कर रहा है, उनको 1 महीने का टाइम मिल रहा है कि कैसे भी वो साबित कर दे। साथ में कुछ फेक मैसेज भी आ रहे हैं, देखो ये मैसेज ज़रूरी नहीं है, कईयों को ये मैसेज भी आ रहे हैं और लेटर नहीं आ रहे हैं, तो ये मैसेज फेक भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये फेक मैसेज कर रहा है किसी को भी, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि किसी के भविष्य का सवाल है, वो घबरा के परेशान होकर कुछ
मतलब कहीं चले कहीं जाए ग्रुप सेंटर में कुछ हो जाए, कुछ परेशानी आ जाए सामने, तो अगर कोई फेक ऐसे मैसेज कर रहा है तो ना करे। अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ना करे किसी को भी। और अगर ये ओरिजिनल है तो मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल है, मैंने भी काफ़ी मतलब ट्राई किया कि ये ओरिजिनल है क्या, ओरिजिनल है क्या, मुझे कोई भी ऐसा सोर्स नहीं मिला जिससे मैं ये प्रूफ करूँ कि ये ओरिजिनल है। ये किसी आपके भाई ने मेरे को भेजा कि सर इसका पता करके बताइए, तो मेरे को नहीं लगता कि ओरिजिनल, मुझे पूरा ये फेक मैसेज लगता है, किसी ने ये फेक मैसेज किया है। क्योंकि अगर मैसेज आता तो उसके पास में नोटिस भी आता, कोई ना कोई डाक से ऑनलाइन कुछ ना कुछ नोटिस ज़रूर आता, लेकिन इसमें कोई नोटिस वोटिस नहीं, सीधा एक मोबाइल में मैसेज आया। और मैंने कॉल करके भी पता करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हो पा रहा है कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि ये ओरिजिनल है, ये पूरा का पूरा फेक है। तो अगर मैसेज भी ऐसे आ रहे हैं तो इनसे भी आप बचिए, क्योंकि ये फेक मैसेज हो सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप में से किसी को आए हैं तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना और मेरे को मैसेज सेंड करना, या ऐसी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो मेरे को सेंड करना, मैं जितना हो सकेगा उसमें आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों समस्या बताना ही काम नहीं है मेरा, समस्या का समाधान देना काम है मेन। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसकी समस्या का क्या क्या समाधान हो सकता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अब बात रही मेरिट की, तो मेरिट मैं बता रहा हूँ, जैसा कि जनवरी अगर दिसंबर लास्ट में अगर मेरिट आएगी तो आ सकती है, नहीं तो फिर जनवरी पूरा निकल जाएगा। क्योंकि अगर बायोमेट्रिक वाले रिजेक्ट वाले जो फॉरम है कुछ बोल रहे कितने रिजेक्ट गए हैं, तो आपको भी पता है आपके साथ में ये कईयों के साथ ऐसा ऐसी ये घटनाएं हुई है, तो काफ़ी लोग गए, ये मान के चलिए 100 में से दो तीन के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो फिर लाख में से 2-4 हज़ार के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो उनको भी टाइम दिया है। उनमें से कुछ लोग साबित कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं साबित कर पाएंगे। हाँ, इसमें जैसे कि लिखा कि बायोमेट्रिक नॉट मैच, और जबकि इस बंदे ने मेरे से बोला कि सर मेरा बायोमेट्रिक मैच हो गया, इसलिए 100% वो मैसेज तो पक्का ही डुप्लीकेट है। हाँ, लेकिन अगर आपको भी पता है कि आपके बायोमेट्रिक मैच नहीं हुए या आपके हो गए फिर भी आपको मैसेज आ रहा है, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके मैच हो गए तो उस समय तो वो मैच ही दिखाएगा। जिनके नहीं हुए हैं और उनके वास्तविक में वही थे तो वो कोर्ट में रिट लगा सकते हैं अपने बायोमेट्रिक वापस जाँच कराने के लिए दोस्तों। तो उसका क्या समाधान होगा वो तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। ज्वाइनिंग लेटर की मैंने बता दिया कि ज्वाइनिंग लेटर आप ये मान के चलिए कि जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे, वैसे तो जिस दिन मेरिट आएगी उससे अगले 20 या 25 दिन का आपको टाइम मिलता है कि 25 दिन बाद में आपकी ज्वाइनिंग है, उसमें ज्वाइनिंग डेट आ जाती है दोस्तों। उसी टाइम जब मेरिट आएगी उसी समय आपकी ज्वाइनिंग डेट भी आ जाएगी, ये मान के चलिए जिस दिन जैसे आज मेरिट आएगी तो आज ही आपकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, भाई इस डेट को आपको ज्वाइन करना, उसके बाद में आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर आएगा घर पर। और जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा उससे 20-25 दिन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है और तैयारी भी करनी होती है, तो वो सब टाइम मिल जाता है। अब उसमें माता पिता के डॉक्यूमेंट्स के बारे में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि माता पिता के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, उनका मैंने बता दिया, वैसे वीडियो भी बना दिया कि ज्वाइनिंग लेटर ऐसी कोई डिमांड नहीं करता जिसमें आपके माता पिता के कोई डॉक्यूमेंट्स लगे, लेकिन हाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उनकी नॉमिनी के टाइम पर लगती है। जो शादीशुदा है उनके भी ऐसे वाइफ का कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं लगता है कि भाई मेरे सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट, उस समय अगर आपके पास में हो तो आप ले जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में नहीं हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बता सकते हो मैं मैरिड हूँ, अब ये मैरिड हुई थी, जब उसके जो डिटेल मांगेगी ये नॉमिनी, क्योंकि अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ ही आपकी नॉमिनी रहेगी, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ वो आपको सब पता होना चाहिए। तो उनके ससुराल वालों की जो मतलब आपकी नॉर्मल जानकारी है वो उसमें डिमांड करेंगे, तो वो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो अब ज्वाइनिंग और मेरिट के संबंध में और क्या क्या आपकी कोई अगर समस्या है तो इसमें बता दीजिए दोस्तों। जय हिंद।